बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आप अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर सारी दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज जो रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो है मज़ेदार सी रशियन सलाद। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की है। चलिए व्यूअर्स, की इंग्रीडियंट्स नोट करते हैं और उसे बनाने का तरीका भी नोट डाउन करते हैं, कौन सी मकदार में क्या चीज़ हम कितनी शामिल कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कम्प्लीट वीडियो को वॉच करने का, अच्छे खूबसूरत कमेंट्स देने का, थैंक यू सो मच। और इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इजी कुकिंग डैस्टी मेरे चैनल का नाम है, जो बहुत ही आसानी से अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती हूँ, कम खर्चे में और बेहतरीन सी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया और मेरे चैनल को फॉलो करते रहें और मेरी रेसिपी को कम्प्लीट वॉच करते रहें, थैंक यू सो मच। चलिए व्यूअर्स, अपनी रेसिपी तरफ चलते हैं और उसे बनाने का तरीका भी नोट करते हैं, जो खजाइए से बिल्कुल टेस्टी है रशियन सलाद, बहुत मजे की। आज हम आपके साथ रशियन सैलड की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार सी होती है, गज़ाई से भरपूर, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो आपके सामने हैं। सबसे पहले हमें एक पैकेट चाहिए है क्रीम का, वो हम इसमें फुल क्रीम का पैकेट शामिल करेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, मुझे 1 टेबल स्पून चाहिए इसमें ब्लैक पेपर, और ये आइसिंग शुगर है। आइसिंग शुगर का मतलब है जो आम शुगर होती है उसको हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, तो इसे हम पाउडर फॉर्म में लेंगे, तो ऐसे पाउडर फॉर्म में लेंगे तो उसको आइसिंग शुगर बोलेंगे। तो ये हम तकरीबन 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा हमें जो फ्रूट चाहिए व्यूअर्स, वो आपके सामने है, ये बनाना है हमारे पास कुछ, हम बनाना ले लेंगे, इसको बड़े चॉप कर लेंगे। इसके अलावा 2 अदद हमें अनार चाहिए, इसके हम सीड निकाल लेंगे, और 2 अदद हमें एप्पल चाहिए रेड कलर के, हम वो ले लेंगे, इनको भी हम स्क्वायर शेप में अच्छे से कट करेंगे। और ये कुछ अमरूद है मेरे पास व्यूअर्स, इतने छोटे गोल साइज में, बहुत खूबसूरत और बहुत मीठे हैं, इसको हम स्क्वायर शेप में कट करके इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स मेरे पास ये पोटैटोस हैं, बिकॉज ये 2 पोटैटोस हैं मैंने जिनको बॉइल कर लिया था, इनका छीका रिमूव कर लिया और इनको अच्छे से स्क्वायर शेप में अच्छे से कट कर लूंगी, और इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे क्योंकि बहुत टेस्टी और मज़ेदार से हम बना रहे हैं रशियन सैलड। उसके अलावा हमें चाहिए इसमें ड्राई फ्रूट्स, जो हम इसमें शामिल करेंगे। ये हमारे पास है खोपरा जो हमने बारीक चॉप कर लिया है, और ये किशमिश है जो मैंने अच्छे से साफ कर ली, इनकी डंडियाँ सारी रिमूव कर ली हैं क्योंकि वो मुँह में आते हुए अच्छी नहीं लगती हैं। इसके अलावा भी बस ये मैंने बादाम को बारीक चॉप कर लिया था, क्रश कर लिया छोटा छोटा सा, जो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का फ्लेवर देता है। गज़ाइए से भरपूर तो है लेकिन टेस्टी और बहुत मज़े का होता है। तो चले व्यूअर्स, अब हम इसको तैयार करेंगे। हम सबसे पहले अच्छे से फ्रूट की कटिंग करेंगे, इसमें यही काम है कि फ्रूट की कटिंग हमें करनी है बिल्कुल एक जैसी, और फिर उसके बाद हम इसमें क्रीम और ये बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। अब इन सब चीज़ों को मैं साइड पर हटा लूँगी, पहले हम करेंगे अच्छे से फ्रूट की कटिंग। यहाँ पर हम करेंगे चॉपिंग बोर्ड और फिर हम करेंगे फ्रूट को कट अच्छे से। आपने कम्प्लीट वीडियो को वॉच करना है, बिना स्किप किए तो ही आपको पता चलेगा कि हम इसको हमारी सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट अच्छे से कट हो चुका है। अब हम इन सब की मिक्सिंग करेंगे। इस समय बस मैं इसमें बनाना सारे कट करके अच्छे से शामिल कर चुकी थी। अब हमने जो एप्पल कट किए थे वो भी हम इसमें डालेंगे, यानी कि जितने फ्रूट्स मैंने कटिंग किए हैं वो सब के सब हम इस बॉल में शिफ्ट कर देंगे। अमरूद को भी और पोटैटोस को भी हम इसमें शामिल करेंगे। इस बॉल में अच्छे से फ्रूट को शिफ्ट करेंगे ऐसे,
जो सीड्स हमने सारे निकाले थे वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक हो गया, अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पे हमने जो क्रीम पेपर भी लिया हुआ है, अब इस क्रीम को हम अच्छे से बॉल में शिफ्ट करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस समय बस मैंने एक अच्छा खूबसूरत सा बॉल ले लिया है, इस बॉल में हम डालेंगे क्रीम को। बिस्मिल्लाह, क्रीम को हम इसमें ऐसे मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह हो रही है, ये तकरीबन हम पूरा का पूरा पैकेट इसमें शामिल कर लेंगे इस पॉइंट पर। और हम इसके साथ ही ये डालेंगे मेयोनीज को। ओके, ये है हमारे पास व्हिपिंग क्रीम, इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इस टाइम पे व्यूअर्स मैं इसको बीटर से अच्छे से बीट कर लूंगी, क्योंकि व्हिप क्रीम है ये, इसको मैं क्रीम फॉर्म में डालूंगी। इस पॉइंट पे व्यूअर्स मैं इसमें आइसिंग शुगर भी शामिल करूंगी। व्हिप क्रीम में आइसिंग शुगर शामिल होती है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी मजीद शामिल करूंगी, क्योंकि हम रशियन सैलड बना रहे हैं, तो तकरीबन 2 या 3 टेबलस्पून हम इसमें आइसिंग शुगर डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसको तकरीबन हम 2 से 3 मिनट करेंगे ताकि ये अच्छे से ज्यादा हो जाए और हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। पूरा पैकेट हम इसमें अच्छे से शामिल करेंगे। इसको हम इतना बीट करेंगे जब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए। ये अच्छे से इसको मैंने इसको बीट कर लिया था, मुझे काफी चाहिए। अब इसके बाद हम व्यूअर्स ये जो मेरे सारे फ्रूट्स हैं इसमें हम मेयोनीज को शामिल करेंगे। तकरीबन 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच हम इसमें डाल लेंगे। इससे हम इसके अच्छे से मिक्सिंग करेंगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट व्यूअर्स मैं सारे फ्रूट्स को अच्छे से इसमें मिक्स करूंगी ऐसे, क्योंकि बहुत जबरदस्त ही हमारी रशियन सैलड कम्प्लीट तैयार होने वाली है कुछ ही सेकंड में। बस थोड़ा सा ही काम रह गया है, सभी इसको हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें व्हिप क्रीम को भी शामिल कर लेंगे। जबरदस्त हमारी रशियन सैलड सिस्टम पर भी बस कंप्लीट तैयार हो चुकी है। बस अब इसको हम अच्छे से सर्व करेंगे आपको। क्या मजेदार सा क्रीमी फॉर्म आ चुका है इसका इस टाइम पे। क्योंकि टेस्टी भी है, मजे की भी है, और बस देखने में जो खूबसूरत लग रही है उसको तो चुभा भी है। अब इसमें ऊपर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, मेरे पास ड्राई फ्रूट है, इसमें शामिल कर लेंगे ऐसे किशमिश, बादाम और ये नारियल।
इसमें पे थोड़े से नारियल के और डालेंगे सीड्स के ऊपर, जो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। सिस्टम में हमारी रशियन सलाद कंप्लीट तैयार हो चुकी है, टेस्टी भी मजे की। लीजिए व्यवस्था में हमारी बेहतरीन सी रशियन सलाद कंप्लीट तैयार हो चुकी है। अब इसको हम अच्छे से प्लेट में शिफ्ट करते हैं आपको सर्विंग के लिए। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह क्या जबरदस्त सी लुक आ रही है इसकी, और ये देखें खाने में क्या टेस्टी और मजेदार सी लगेगी, और ये देखने में इतनी मजे की लग रही है तो मुझसे कोई वजन रहा नहीं जा रहा। तो मेरी तो पूरी कोशिश है कि मैं इसको अभी से ट्राई कर लूँ, अच्छे से बड़े से चम्मच से इसको निकालूंगी। आपको कुछ खाने को दिल ना चाह रहा हो तो आप इस तरह की रेसिपी को फॉलो करें, ट्राई करें और बनाएं, और आप कहेंगे कि वाकई ही बहुत ही मजा आ गया, क्योंकि इजी आसानी से बनाने वाली रेसिपीज हैं ये सब, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बस आप इसको आराम से सही से तैयार कर सकते हैं, खाने में भी लजीज, देखने में भी मजा और फजाइए से भरपूर, और विटामिन सॉप इतने मिलेंगे कि आपकी सोच। डालेंगे अनार के सीड्स के ऊपर, जो देखने में क्या खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है। इसी के साथ व्यूअर्स आपसे इजाजत चाहूंगी, ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।